हरता श्री गणेशा श्री गणेशा श्री गणेशा। प्रभु परम कृष्ण वो यहां कैसे? ये क्या हो रहा है? ये कैसा दृश्य दिखाई दे रहा है मुझे? ये धुंधली स्मृतियां कब की हैं? मुझे अब इनका स्मरण क्यों हो रहा है? विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी ने शंखचूर्ण को नारायण अस्त्र का प्रयोग करने से रोककर इस विघ्न को कुछ समय के लिए रोक तो दिया, किंतु अब वो क्या करेंगे? सावधान हो जाओ पुत्र, देवता छल कर रहे हैं तुमसे। विघ्नहर्ता तुम्हारी विजय में विघ्न उत्पन्न करने आए हैं। गजानंद, यहां आपका कोई कार्य नहीं, ये युद्ध मेरे और महादेव के मध्य है। आप तो स्वयं कृष्ण तत्व हैं, इसलिए आपको कृष्ण भक्त की विजय में बाधा नहीं बनना चाहिए। बाधाएं भी कभी कभी मुक्ति का कारण बनती है शंखचूर। विघ्नहर्ता, कृष्ण भक्त शंखचूर के विघ्नकर्ता मत बनिए। विघ्न, ये विचार तुम्हारे मन में कहां से आया? मैं तो यहां तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं। आशीर्वाद? गणेश उसे वार करने से रोक रहा है जिससे कि सूर्यास्त हो जाए और आज युद्ध विराम का समय हो जाए। आशीर्वाद प्रभु, किंतु युद्ध के बीच में ये कैसा आशीर्वाद है? मैं प्रसन्न हूँ, प्रभावित हूँ तुमसे। महान कृष्ण भक्त हो तुम, जिसने अपनी कृष्ण भक्ति को ही अपनी शक्ति बना लिया। शिव सेना के महापराक्रमी योद्धाओं को बल से नहीं तो छल से बंदी बना लिया। छल नहीं गजानन, युक्ति कहते हैं उसे। हाँ, छल को ही युक्ति कहते हो तुम सभी। यही असुरों की परंपरा है और ये भी तुम असुरों की मान्यता है कि युद्ध में सब उचित है, ना कोई नियम है और ना कोई मर्यादा। गणपति गजानन, शंखचूर युद्ध के वैदिक नियमों को जानता भी है और उसका पालन भी करता है। मैंने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। मुझे व्यर्थ उलझाने की युक्ति मत कीजिए, युद्ध करने दीजिए मुझे, उसमें बाधा उत्पन्न मत कीजिए आप। इतने समझदार होकर भी ना समझो की भांति व्यवहार कर रहे हो। आशीर्वाद कभी किसी के लिए बाधा नहीं बनता, वो तो मार्ग को सुलभ बना देता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हें नियम भंग करने से बचाएगा, अन्यथा तुम्हारी विजय भी हुई तो वो भी पराजय के समान ही होगी। मैं समझा नहीं प्रभु, मैंने कहा ना, मैं युद्ध के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो पश्चिम दिशा में देखो शंखचूर, सूर्यदेव अस्त हो चुके हैं और वैदिक नियमों के अनुसार ये युद्ध विराम का संकेत है। गणेश की बुद्धि और युक्ति के समक्ष कोई टिक ही नहीं सकता है। नहीं पुत्र, रुको मत, गणेश जी की चतुराई में मत उलझो। तुम्हें वार करने से रोकने के लिए तुम्हारा समय व्यर्थ कराया जा रहा है। जो अनुचित है वो मत करो शंखचूर, झुका लो अपना अस्त्र। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ, बस आज के युद्ध का अंत हुआ है।
भस्मासुर हो या त्रिपुरासुर, सबका अंत युक्ति से ही किया गया था। अन्यथा इनमें से किसी का भी वध संभव नहीं था। अपने वार को कल पर मत छोड़ो। संभव है कल तुम्हें इसका अवसर ही ना मिले। शंखचूर, इस युद्ध में तुमने कोई नियम अभी तक भंग नहीं किया, तो अभी मत करो। पुत्र, नियम मर्यादा सब व्यर्थ है। विजय प्राप्त हुई तो सब उचित हो जाता है, अन्यथा सब अनुचित। इसलिए विजय प्राप्ति के लिए जो करना है अभी करो। नियमों को भंग करना तो किसी भी असुर के लिए साधारण बात है, किंतु श्री परम कृष्ण का कोई भक्त ऐसी भयंकर भूल कैसे कर सकता है? सूर्यास्त के बाद नारायण अस्त्र का प्रयोग सर्वथा अनुचित है। ये तुमने ऐसा किया तो धिक्कार है तुम्हें, मिथ्या है तुम्हारी भक्ति। सोचो शंखचूर, अपने आराध्य का अपमान कर एक असुर की भांति कर्म करना चाहते हो, या भक्त बनकर मर्यादा का पालन करते हुए अपने आराध्य का मान रखना चाहते हो? अब ये तुम पर निर्भर है। क्या कर दिया तुमने पुत्र? विघ्नहर्ता को तुमने विघ्नकर्ता क्यों बनने दिया? आज तो सृष्टि पर छाया ये महासंकट गणेश के कारण टल गया। शंखचूर पीछे हट गया। वैसे निश्चिंत है कैसे? आज ना सही, लेकिन शंखचूर कल भी तो वार कर सकता है नारायण अस्त्र से। इसका तो एक ही उपाय है माँ, इससे पहले कि शंखचूर आक्रमण करे, पिताश्री स्वयं अपने वार से उस शंखचूर के साथ साथ इस युद्ध का भी अंत कर दे। नहीं भ्राता, उसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसकी सुरक्षा के लिए शंखचूर को प्राप्त है कृष्ण कवच। कृष्ण कवच तो इसीलिए आपने उस पर वार नहीं किया था पिताश्री? हाँ पुत्र कार्तिकेय, मैं किसी भी स्थिति में कृष्ण कवच पर वार नहीं कर सकता। तब तो हमें वो कृष्ण कवच उससे दूर करने की युक्ति सोचनी चाहिए। कृष्ण कवच ही नहीं, उसके साथ असुर शंखचूर को एक और कवच प्राप्त है। ऐसा कवच जिसे ना कोई भेद सकता है, ना ही शंखचूर से छीन सकता है। वो कवच जिसे उससे कोई दूर नहीं कर सकता, और वो है उनकी पत्नी देवी तुलसी के अनुपम प्रेम, अपने पति के प्रति उनकी निष्ठा और उनका समर्पण, अर्थात उनके पतिव्रत का कवच। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। पिताश्री, मैं अपने कारण तुलसी को इतनी पीड़ा में नहीं देख सकता। मुझे उसे उसके तप से उठा देना चाहिए। नहीं पुत्र, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि वो तो अपने तप से तभी उठना चाहेगी जब तुम इस युद्ध में विजयी होकर वापस लौटोगे। जब तक मेरा पति व्रत सुरक्षित,
उसकी शक्ति सुरक्षित है। कैसा भी संकट क्यों ना आ जाए, भयंकर से भयंकर बवंडर ही क्यों ना आ जाए, मैं आपके इस विजय दीपक कदापि नहीं बुझने दूंगा। आश्चर्य है, दीपक में घृत नहीं, फिर भी उसकी ज्योति स्थिर है। आप सभी ने उस पर इतने आक्रमण किए, किंतु वो सुरक्षित रहा, क्योंकि उसका एकमात्र कारण है देवी तुलसी का पति व्रत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। सत्य है, देवी तुलसी की तपोशक्ति ने ही मुझे रोका, मुझे आभास कराया कि मैं कृष्ण कवच पर ही प्रहार करने वाला था। तुलसी के कारण ही मैंने समय पर कृष्ण कवच को क्रियान्वित किया, अन्यथा प्रभु महादेव का वार मुझ पर अवश्य होता, तब मैं कदापि सुरक्षित नहीं रहता। किंतु सत्य तो यह है कि उसकी शक्ति ने ही मुझे महादेव का सामना करने के लिए आत्मविश्वास दिया। जब तक शंखचूड़ को ऐसे अनुपम स्नेह, ऐसी निष्ठा, ऐसे पतिव्रत की शक्ति प्राप्त है, वो तो त्रिदेवों के सामने भी अजय रहेगा। स्वयं देवाधिदेव महादेव उसको पराजित नहीं कर सकेंगे। कल इस युद्ध में स्वयं देवाधिदेव होंगे मेरे सामने, किंतु फिर भी मैं अजय और अमर रहूंगा, क्योंकि तुलसी के पतिव्रत की शक्ति मेरे साथ रहेगी। किंतु अन्य मर्यादाओं से बंधे होने के कारण आप कृष्ण कवच पर तो प्रहार करेंगे नहीं, और देवी तुलसी के पतिव्रति के सम्मान में आप उस शंखचूड़ का अंत भी नहीं करेंगे, तो फिर ये अधूरा युद्ध क्यों पिताश्री? युद्ध आरंभ हो जाए तो योद्धा का पीछे मुड़ना उसकी पराजय का सूचक होता है देव सेनापति, इसलिए युद्ध भूमि में मेरा जाना अनिवार्य है, और पतिव्रत की शक्ति के विरुद्ध अस्त्र प्रहार न करना मेरी विवशता। इसलिए मैं देवी तुलसी के पवित्र प्रेम और पतिव्रत पर आज नहीं आने दूंगा, कल मैं युद्ध का धर्म अवश्य निभाऊंगा, अस्त्र उठाऊंगा, किंतु अपने वार से देवी तुलसी के पतिव्रत को भंग नहीं होने दूंगा। तुलसी, मैं अब तुम्हें इस कष्ट में नहीं रहने दूंगा, कल युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही नारायण अस्त्र का प्रयोग कर इस युद्ध के साथ तुम्हारे कष्ट का भी अंत करूंगा। किंतु पुत्र, तुम्हारे लिए विघ्नहर्ता अब विघ्नकर्ता बन चुके हैं, कदाचित अब तुम्हारे लिए इतना सरल नहीं रहा यह युद्ध, क्योंकि वह नारायण के अस्त्र के वार का तोड़ ढूंढकर तुम्हारी विजय में विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। शंखचूड़ उसकी युक्ति भी ढूंढ लेगा। वो जो करने वाला है उसका कोई तोड़ मेरे पास भी नहीं, विघ्नहर्ता होने पर भी मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं कि मैं इस विघ्न को हर सकूं। स्वयं विघ्नहर्ता गणेश विघ्न हरने की युक्ति ना सोच सके, यह असंभव है अनुज गणेश। कठिन परिस्थिति में ही पुत्र बुद्धिमान की बुद्धि की वास्तविक परीक्षा होती है, वो अंधकार में भी प्रकाश की एक किरण को ढूंढ ही लेता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है पुत्र तुम इसका भी कोई उपाय ढूंढ ही लोगे। हाँ पुत्र, भोर होने तक तुम्हें अवश्य ही कुछ ना कुछ सूझ ही जाएगा। मैं आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा, तब तक आप सभी विश्राम कीजिए। प्रणाम माता, प्रणाम भ्राता। वो विघ्नहर्ता गणेश है पुत्र, वो इतनी सरलता से अपनी असफलता स्वीकार नहीं करेंगे। तुलसी के पति व्रत की शक्ति के आगे उनकी सभी युक्तियां विफल होंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ऐसे अद्भुत पति व्रत का कोई तोड़ नहीं।
को दूर करने के लिए सभी मुझसे ही आस लगाए हुए हैं। पूर्ण विश्वास है पुत्र, तुम इसका भी कोई उपाय ढूंढ ही लो। होने तक तुम्हें अवश्य ही कुछ न कुछ सूझ ही जाए। स्वयं विघ्नहर्ता गणेश विघ्न हरने की युक्ति ना सोच सके, यह असंभव है अनुज गणेश। कल मैं युद्ध का धर्म अवश्य निभाऊंगा, अस्त्र उठाऊंगा, किंतु अपने वार से देवी तुलसी के पतिव्रत को भंग नहीं होने दूंगा। अर्थात जब तक देवी तुलसी का पतिव्रत सुरक्षित है, संसार की सुरक्षा का कोई उपाय सफल नहीं होगा, शंखचूड़ का वध संभव नहीं होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे समाधान की कल्पना भी नहीं कर सकता। आपको एक असुर की पत्नी बन पूर्ण श्रद्धा से पतिव्रत धर्म का पालन करना होगा, और इसके भी पूर्व अपनी भूल को सुधारने के लिए आपको अपने अपूर्ण तप को संपन्न करना होगा। मैंने उनको जो सुझाव दिया था वो तो उसी पर टिकी है, अपने पतिव्रत धर्म का पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से पालन कर रही है, इसलिए यही एकमात्र समाधान नहीं हो सकता। एकमात्र यही समाधान शेष है। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु महागणाधिपति जी। भक्त प्रियाय देवाय नमः। अब इस समस्या का एक ही समाधान है, शंखचूड़ से कृष्ण कवच लौटाना और देवी तुलसी के पतिव्रत के कवच का भंग होना। गणेश, तुमने देवी तुलसी को जो वरदान दिया था उसके पूर्ण होने का समय अब आ गया है। शीघ्र आपका जन्म एक दिव्य पौधे के रूप में होगा, जिसका नाम भी तुलसी ही होगा, जिसका नाम भी तुलसी ही होगा। आप इस दिव्य पौधे के रूप में प्रभु श्री कृष्ण के शालिग्राम रूप की अर्धांगनी बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। उन्हें अब शीघ्र दिव्य तुलसी पौधे के रूप में प्रकट होना है, किंतु ऐसा तभी होगा जब देवी तुलसी का पतिव्रत भंग होगा। और इस कार्य को आप संपन्न करेंगे नारायण, किंतु एक कार्य तुम्हें भी करना है गणेश, और इसका माध्यम आपको ही बनना होगा नारायण। हे महागणाधिपति, आप ये मुझे कैसी दुविधा में डाल रहे हैं? एक भक्त से उसके वरदान में मिले कवच को लौटाने को कह रहे हैं, और दूसरे भक्त से उसके पतिव्रत के कवच को भेदने को कह रहे हैं। ऐसा करने के लिए मुझे एक भक्त के साथ पाप और दूसरे भक्त के साथ छल करना होगा। ये मैं कैसे करूंगा महागणाधिपति? शंखचूड़ ने बुरे कर्म किए, इसलिए उससे उसका कवच लौटाना भले ही उसके कर्मों का फल माना जाए, किंतु प्रभु देवी तुलसी के साथ तो यह अन्याय होगा। ये मैं कैसे करूं प्रभु? देवी तुलसी ने एक जन नहीं अपितु दो जन्मों में मेरी ही तपस्या की है, मेरे ही प्रति समर्पित रही, फिर भी मुझे नहीं पा सकी, और अब मैं उसे इतना बड़ा दंड कैसे दे दूं? ये मैं कैसे करूंगा महागणाधिपति? हाँ प्रभु, देवी तुलसी तो पूर्ण श्रद्धा के साथ अपना कर्तव्य निभा रही हैं, पवित्रता के साथ अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर रही हैं। फिर ये उनके प्रति अन्याय और दंड समान नहीं होगा? इस अन्याय में न्याय छिपा है। कभी कभी दंड प्रत्यक्ष रूप में कठोर प्रतीत होता है, किंतु उस दंड में उसके प्रति न्याय होता है। जैसे वृक्ष की आयु पूर्ण होने पर उसे जड़ से काट दिया जाता है, किंतु उसके काष्ठ को विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यही उस वृक्ष की जीवन की सार्थकता है। इसी प्रकार प्रत्येक तप का परिणाम वरदान नहीं होता, तप का फल भिन्न रूप से भी आता है, क्योंकि सत्य तो ये है कि विधाता कभी कभी छोटा कष्ट देकर बड़े कष्ट हर लेता है। किंतु प्रभु, देवी तुलसी के पतिव्रत में ही उनके प्राण हैं। यदि वो अपने इस धर्म का पालन ना कर सकी तो ये उनके लिए मृत्यु से कम नहीं होगा, और वो मृत्यु उसके लिए वरदान बनेगी, उसके जीवन के लक्ष्य के निकट ले जाएगी, क्योंकि उसे तो दिव्य तुलसी पौधा बनकर फिर से जन्म लेना है।
सम्मान से वो अब तक वंचित रही उसे प्राप्त करेगी। ये उनके लक्ष्य प्राप्ति की चढ़ाई का अंतिम भाग है, उनके कठिनाइयों भरे मार्ग का चरम है। किंतु प्रभु, ये कौन? उसका विचार भी मैं कर चुका हूँ। ये भक्त और भगवान के संबंध का विषय है, इसलिए उसके इस अनंत सम्मान का मार्ग खोलने का ये दायित्व श्री हरि नारायण का ही है। किंतु एक कार्य तुम्हें भी करना है गणेश। कल युद्ध आरंभ होने पर शंखचूड़ नारायण अस्त्र का प्रयोग करने का प्रयास करेगा, किंतु तुम्हें उसे ऐसा करने से रोकना होगा जिससे नारायण को अपने कर्तव्य निभाने का पर्याप्त समय प्राप्त हो। सफल भव। कभी कभी भक्तों के उद्धार के लिए भगवान को अपना हृदय कठोर कर पाषाण बनना पड़ता है, किंतु यही एकमात्र उपाय होता है भक्तों के जीवन को एक नवीन अर्थ देने का। आपके नेत्रों में अश्रु क्यों प्रभु? ऐसा क्या घटित होने वाला है जिसने आपके नेत्रों में अश्रु छलका दिए? नियति ने जो रचा है, जिसकी योजना वो इतने लंबे समय से बना रही है, जिसके लिए सभी योग उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके लिए नियति ने इतनी घटनाओं का चक्र बुना है, अब भगवान की परीक्षा का समय आ गया है देवर्षि। अब तुलसी पौधे के आगमन का पथ स्वयं नारायण को ही खोलना होगा, जो उनके लिए अत्यंत कष्टकारी होगा। हे प्रभु श्री हरि नारायण, मुझे आशीष दीजिए कि आज का दिन मेरे जीवन का महानतम दिन हो। अवश्य होगा। आज का दिन आपके लिए महान ही होगा महाराज शंखचूड़। ये भी सत्य है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। प्रणाम ब्राह्मण देव, आपके इन शुभ वचनों के लिए, आपके इस आशीर्वाद के लिए आप मुझसे क्या चाहते हैं? जो चाहे मांग लीजिए, ये कृष्ण भक्त शंखचूड़ अवश्य देगा। वचन देकर उसमें बंध जाएं, उससे पहले एक बार और विचार कर लीजिए महाराज शंखचूड़। मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे मेरे प्रभु ही मेरे सामने हो, और मेरा जो भी है उस पर सर्वप्रथम मेरे प्रभु का ही अधिकार है। इसलिए मुझे आपको कुछ देने का वचन देने से पहले पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मांगिए ब्राह्मण देवता, आप जो भी कहेंगे आपको अवश्य देगा शंखचूड़। तब मुझे वो दो जो तुम्हारा नहीं है, वो जो तुम्हें वरदान में मिला है, वो जो स्पष्ट कहिए ना प्रभु। आपको मेरा कृष्ण कवच चाहिए। मुझे कोई संकोच नहीं, मैं आपको कृष्ण कवच देने के लिए प्रस्तुत हूं। किंतु बस आप अपने वास्तविक रूप में मुझे दर्शन दे दीजिए और मांग लीजिए अपना कृष्ण कवच।
क्या हुआ प्रभु? किंतु आपका ये कृष्ण भक्त जिस रूप में आपको पूछता रहा है, उस रूप में भी दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। अपना कृष्ण कवच दे दो शंखचूर, मुझे अपना कृष्ण कवच दे दो शंखचूर, मुझे अपना कृष्ण कवच दे दो शंखचूर। इस कवच के योग्य नहीं है। महादेव ने इस कवच का मान रखते हुए मुझ पर वार नहीं किया, किंतु मैंने क्या किया? केवल उन पर प्रहार, ना ही ये धर्मोचित है और ना ही युद्ध की मर्यादा। इसलिए आप ये कवच ले लीजिए, तभी युद्ध समानता के साथ होगा। प्रभु, मैं असुर हूं, मेरे लिए नियमों का कोई अर्थ नहीं है, किंतु आपके भक्त को तो आपके द्वारा स्थापित नियमों का पालन तो करना ही चाहिए। स्वयं आपके आराध्य देव आदि देव महादेव को सम्मोहित करना, उन पर वार करना आपके नियमों के स्वयं आपके विरुद्ध होगा, जो मैं कदापि नहीं करना चाहता। इसलिए संकोच मत कीजिए प्रभु, निसंकोच ये कवच ले लीजिए। किंतु प्रभु, महादेव के सामने टिके रहने की शक्ति अब भी मुझ में है, लीजिए प्रभु इस दिव्य कृष्ण कवच को, आप ले लीजिए प्रभु। मैंने कवच अवश्य खोया है, किंतु मेरा वास्तविक कवच मेरी तुलसी और उसका पतिव्रत अब भी मेरे साथ है, जिसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः।
सभी के लौटने का अर्थ है कि प्रभु नारायण ने कृष्ण कवच पुनः प्राप्त कर लिया है। मुझे पूर्ण विश्वास था अनुज गणेश कि तुम कोई ना कोई समाधान अवश्य ढूंढोगे। असुर शंखचूर अब अपने दिव्य कृष्ण कवच से तो सुरक्षित नहीं है। शंखचूर, तुमने आज मुझे अपना कवच लौटाकर बहुत बड़ा त्याग किया है, इसलिए मैं तुम्हें अपार बल और सामर्थ्य का आशीष देता हूं। शक्तिशाली होता है जिसमें शुद्धता हो, और ऐसे प्रेम की शक्ति का सम्मान स्वयं ईश्वर भी करते हैं। अब इस समस्या का एक ही समाधान है, देवी तुलसी के पतिव्रत के कवच का भंग होना। प्रभु, मेरे वार के लिए तैयार हो जाइए। तुलसी